सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसे भी उसी तरह से लेट आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लिमिट दिया है साइन क्यूब एक्स, अच्छा बटा में साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसे समीकरण एक मानेंगे। और जो पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाया है वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में हो जाएगा जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही लगाएंगे। तो यहाँ से आई बराबर में हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स बटा में साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स और प्लस कॉस क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू में आ जाएगा जीरो टू पाई बाई टू कॉस क्यूब एक्स बटा में कॉस क्यूब एक्स प्लस में साइन क्यूब एक्स डी एक्स, समीकरण दो रहा। लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर चलिए दोनों को जोड़ने पर देखते हैं आई आई टू हो जाएगा, इधर आपका लिमिट है जीरो टू पाई बाई टू और फिर आपका दिया है साइन क्यूब एक्स, समीकरण एक में ही है, और बटा में साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स प्लस, समीकरण दो में यहाँ पे है कॉस क्यूब एक्स बटा में कॉस क्यूब एक्स प्लस में साइन क्यूब एक्स, दोनों को एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो वन आ जाएगा एलसीएम लेके जोड़िएगा तो टू आई बराबर में हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू वन डी एक्स। तो वन का इंटीग्रेशन तो आपको पता है एक्स हो जाता है और लिमिट है आपका जीरो से पाई बाई टू। चलिए आगे देखते हैं टू आई बराबर में आ जाएगा पाई बाई टू माइनस जीरो यानी आई बराबर में आ जाएगा पाई बाई फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर